पान की बात सुन के और पूर्णमला की तरफ चल देता है। पूर्णमला में चलता चलता सोचता है कि माँ के पास लगा तो मौसी बुरा मान लेगी। पहले अपनी मौसी के रंगमाला में जाता, कहती पूर्णमल मौसी के रंगमाला में चला जाता। लूणा ने ठीक स्वागत के लिए खड़ी गई खड़ी थी, लेकिन पूर्णमल जब ड्योटी के ऊपर पहुंचता उस टाइम नीच में फरका जाता। उस टाइम पूर्णमल के सामने घूंघट काट के खड़ी हो जाती। उस टाइम पूर्णमल अपनी मौसी से क्या कहता है, नुबल्यारी सुन मौसी सुन सुन के नगुन एरी क्यों कर रही से जुल्म री मौसी मेरे पे सरदम भगवान सांसे निकाले क्या कहता उसे मेरी खोली देना मेरी खोली देना घूंघट मा तू बेटे आग खड़ी से ये दहर सा तू मलावे के तेरे नाग जरी लिलाड़ी से मेरी खोली देना घूंघट मा तू बेटे आग ये जहर सा कुमलावे के तेरा नाग जरीली लड़ी से ले जागी बेवाड़ी बत्ती गलत बात पर आड़ी से कंस की कुड़ी ते आगे बीजड़ी सी पड़ी से कंस की कुड़ी ते आगे बीजड़ी सी पड़ी से जब तू मेरी मौसी ना होती ते जब तू मेरी मौसी ना होती ते तलक जाता बदम नंबर तीन में क्या कहता है, बोला मैं उसे चढ़ा कर दिया है बेटे क्या कहते तू कर री से गलती मसी यात्री बड़ी भूली से एरी खानदान थारे कुण पे मजे मसी योरे रूली से अरी तू कर री से गलती मसी यात्री बड़ी भूली से एरी खानदान थारे कुण पे मजे गलत पढ़ाने
शिक्षित हो और ये परिवार गुरमुख हो और गुरमुख और शिक्षित भी नहीं तो क्या होता उसका आए बेटी हेरी ना तू गुरमुख हेरी ना तू शिक्षित हेरी ना तू गुरमुख ना तू शिक्षित पाई पिता ही तेरे जैसी थोड़ी से इन वीरा का यकीन मती आरी ना तू गुरमुख ना तू शिक्षित पाई पिता ही तेरे जैसी थोड़ी से इन वीरा का यकीन मती माड़ा कर्म करेगी तुत्र हाल बुरा हो दीन मसी न्यू है चट्टा मटकेगी ते हो जा फैल मसीन तेरी